हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप इलेक्ट्रिक कीज़ या विंटेज कीज़, वो चाहे इलेक्ट्रिक पियानोस टाइप साउंड, किस तरह से साउंड डिज़ाइन कर सकते हो, खुद से बना सकते हो स्टॉक प्लगइन के थ्रू FL स्टूडियो में। तो डिटेल में है पूरी वीडियो, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, डिटेल में बताऊँगा। बस ईजी वे में अपने नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आप इलेक्ट्रिक कीज़ पियानोज एंड इलेक्ट्रिक विंटेज कीज़ को किस तरह से साउंड डिज़ाइन कर सकते हो किसी भी VST में। मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, जो भी आपके पास सेंथेसाइजर है, मैं स्टॉक से बता रहा हूं, कोई भी थर्ड पार्टी है, सेम टू सेम आपने प्रोसेसिंग करनी है तो वो साउंड आपको अचीव हो जाएगी। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। नए तो सब्सक्राइब कर दो, इस तरह की वीडियो और भी आती रहेगी। कमेंट डाउन ज़रूर करना किस तरह की और वीडियो आपको चाहिए साउंड डिज़ाइन पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा वही 3S ऑस्किलेटर, सबसे सिंपल, सबसे वर्सटाइल्स, इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, बस सीखना आपको सिंपल। तो सबसे पहले मैं वही साइन वेव लूँगा। जब भी आप इलेक्ट्रिक कीज़ वगैरह सुनो तो उसमें वो साइन वेव वाला फील आता है। पहले मैं साइन वेव लूँगा, उसके बाद बाकी चीज़ें करते हैं। तो मैं दोनों ऑस्किलेटर की वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ। सिंपल सी साउंड कैसे कर रही है, पहले ये देखो इलेक्ट्रिक, इसी तरह की साउंड होती है इलेक्ट्रिक कीज़ की। तो नॉर्मल जो आपकी साइन वेव है उसको आपने ले लेना, उसके बाद थोड़ा सा उसको स्प्रेड कर देना, डीट्यून कर देना लेफ्ट एंड राइट, ताकि वो फील आए, कोर्सी फील आए थोड़ा सा डीट्यून वाला, ठीक है। ये देखो, हेडफोन ज़रूर लगा लेना ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, ये हमारी थोड़ा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा बेस साउंड भी कर सकते हो, इस तरह का साउंड करा सकते हो, इसको नीचे ले जाके थोड़ा सा बेस वाला, ठीक है। एक ऑक्टेव मैंने नीचे लिया, 12 सेमीटोन नीचे ले गए, ठीक है, ये साउंड करा। उसके बाद जाना अपने सेटिंग पे और रेंज आइकन को ऑन कर देना, एनवलप पे जाना, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम एनवलप को ऑन कर देंगे, ठीक है। बेसिक जो शेप है, जितनी भी शेप है इसकी पहले से बनी, वो भी आप रख सकते हो। तो उसके बाद क्या करूँगा, सिंपल सी मैं कॉर्ड को प्ले करूँगा, ठीक है। ठीक है, एक पैड सा साउंड आपको मिल रहा है, काफ़ी विंटेज सा पैड सा साउंड मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक विंटेज वाला फील आ रहा है। तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, तुम अटैक थोड़ा सा इसमें स्लो रखना, अपने फास्ट अटैक रखोगे तो थोड़ा सा क्रीपी पियानो साइड साउंड करेगा थोड़ा सा। अगर आपको वो प्लकी सा पियानो वाला साउंड चाहिए तो आप अटैक को फास्ट रख लो। ये देखो, पर ये थोड़ा सा अजीब सा साउंड करता है, थोड़ा प्लकी साउंड करता है। अगर आपको इस तरह की कुछ साउंड चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने ऊपर टॉप लाइन बनानी है, इस तरह की कुछ बेली टाइप साउंड बनानी, बेलिश, ठीक है, बेल की टाइप, तो मैं होल्ड को डाउन कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, अटैक को मैं क्या करूँगा, बाकी कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, सस्टेन भी ठीक है, रिलीज भी ठीक है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर अटैक को थोड़ा सा खोल देना, हल्का सा, ताकि वो क्लिक वाली साउंड चले जाए। ये देखो, थोड़ा सा हटाया मैं, थोड़ा सा और सॉफ्ट सी वो इलेक्ट्रिक विंटेज पियानो वाली फील आ रही है। ये देखो, पूरा फील आ रहा है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको छेड़ देना। तो मैंने देखो कितना छेड़ा, सिर्फ 5%, आप 10% तक भी जा सकते, थोड़ा सा डिले दे के। ये देखो, तो मैं थोड़ा सा क्लिक भी रखूँगा, इतना मेरे को सही लग रहा है, देखो इतना सही लग रहा है। उसके बाद जो डीके टाइम है उसको आप थोड़ा टाइटर भी कर सकते हो, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा मतलब ऐसा फास्ट सा पियानो, इलेक्ट्रिक प्लकी टाइप, और साथ साथ में आपने प्ले भी करना, ठीक है। तो मैं हल्का सा डिकेट खोलूँगा, 20%, 30%, ठीक है, 20% इतना सही लग रहा है, ठीक है, या फिर आप 30% खोल सकते हो, जिस हिसाब से आपकी लश सी साउंड चाहिए या फिर सस्टेन साउंड चाहिए, तो ये इसको खोलना आपने, ठीक है, बस इतना मेरे को सही लग रहा है। सस्टेन मैंने आपको बताया था गूंज, ये देखो वही बंद हो रहा है, अगर मैं सस्टेन को ऊपर कर लूँ तो गूंजेगा, ठीक है। तो आप सस्टेन को थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 31%, और जो रिलीज वगैरह 30%। तो मैं यही बोलूँगा आपको, बाकी जैसी पहले की सेटिंग है, बस आपने होल्ड को पीछे कर देना, अटैक को थोड़ा सा खोल देना, सेम टू सेम सेटिंग वैसे आप रख सकते हो, बाकी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई भी मीडी ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, मीडी ड्रैग कर लेता हूँ कोई भी, चलो ये ड्रैग कर लेते, सुनते, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर वाले ऑक्टेव में। अब सुनते साथ साथ में हम डिज़ाइन भी करेंगे।
ठीक है, इस तरह का साउंड कर रहा है ये। और अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, बेसिक यही है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अटैक को थोड़ा और खोलना तो ठीक है, इस तरह भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइट करता हूँ, 10% खोलता हूँ, सही लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं सस्टेन बंद करूँ, देखो यहीं तक प्ले हो रहा है, हल्का पहले बार में प्ले हो रहा है, देखो एक ही बीट में प्ले हो रहा है, सॉरी। और अगर मैं सस्टेन को खोलूँ धीरे धीरे, तो आप इसको यहाँ पर देख के ना कितना खोलना आपने एक बार के अंदर आए, ताकि तो इस हिसाब से खोल सकते हो। बहुत ज़्यादा हो गया, ताकि ऐसा यहाँ से साउंड प्ले हुई और फेड 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 करके यहाँ पर ख़त्म, फिर से शुरू, इस तरह आपने रखना है। ठीक है, रिलीज भी इसी तरह रखना है। बस बन गया अपना इलेक्ट्रिक पियानो, इतना काम था। अब इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें ट्रेमोलो इफेक्ट देने के लिए, ट्रेमोलो इफेक्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो गूंज होती है ना, वाइब्रेटो टाइप देने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल बस यहाँ से कुछ नहीं चाहिए ना, यहाँ पर आ जाना, अमाउंट को बढ़ा देना है और अटैक को जीरो कर देना है। अगर अमाउंट को मैं पूरा बढ़ाऊँ, अब देखो वो थोड़ा सा स्लो है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पीड स्पीड में जाके इसको थोड़ा सा फास्ट कर लूँ, तो इस तरह का जो ट्रेमोलो इफेक्ट है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, कितना आपने रखना है। तो इस तरह का गूंज होती है, तो वो आप यहाँ पर इफेक्ट, जैसे आपने इलेक्ट्रिक पियानो देखा होगा, कोई भी साउंड सुनी होगी, तो उसमें थोड़ा सा ट्रेमोलो इफेक्ट होता है, ताकि वो गूंज जैसी आपके पास वाइब्रेटो टाइप हो। तो मैं इसको हल्का सा रखूंगा, 10-1%, ताकि वो फ्लो में जाए इस तरह के, ये देखो इस तरह से ऊपर नीचे साउंड हो रही है, देखो। तो इसमें टाइप्स आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ये देखो बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आता है यहाँ पर आप फिल्टर पे, फिल्टर आप बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो इस तरह का साउंड कर रहा है, अगर मैं इसको बैक डाउन करूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लो पास कर रहा हूँ, हाइस को काट रहा हूँ, ये देखो। तो आप नीचे ले जाके इसको डार्क सी वाइब भी दे सकते हो, जैसा आपने फील कराना है। ठीक है, बस इतना सा काम है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप छेड़ सकते हो, बस इतना सा काम था, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक पे क्लिक करके सीधा हम राउट कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, कोरस इफेक्ट डाल देना इसमें, कोरस इफेक्ट डालना, सिंपल सा कोरस इफेक्ट प्ले करेंगे, तो वो देखो पूरा फील आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक विंटेज वाला इलेक्ट्रिक पियानो का। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सी एक रिवर्ब डाल देनी है, रिवर्ब डाल दो, एफएक्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर रिवर्ब डालता हूँ, एज इट इज डालता हूँ, ज़्यादा कुछ छेड़ूंगा नहीं, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप छेड़ सकते हो। तो देखो वो डार्क सी फील आ रही है, तो पूरा एक इलेक्ट्रिक विंटेज पियानो वाला फील आ रहा है। तो अगर आपने डीले डालना तो डीले भी डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना इस तरह का फील दे रहा है। तो इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगा, कोई और मीडी ले लेता हूँ, कोई और सी थोड़ी डार्क सी मीडी ले लेता हूँ, कोई भी, लो जी। अब देखो कितना, जो ट्रैप की मीडी मैंने ली, तो देखो कितना सा वाइबी साउंड करा, कितना डार्क साउंड करा। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो देखो कितना डार्क ही साउंड कर रहा है। तो उसके बाद आप लास्ट में क्या ले लेना, आपने फिल्टर ले लेना या फिर कोई भी ईक्यू ले लेना। ईक्यू से मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर इस तरह की होती है विंटेज इलेक्ट्रिक पियानो की साउंड, सॉरी, और इसको इस तरह कर दूंगा मैं, तो कितनी वाइबी सी साउंड आपके पास कर रहा है। ठीक है, बेस नोट भी आ गए और डार्क नोट भी, मतलब डार्क साउंड कर रहा है। तो उसके बाद आप कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, स्विच कर सकते हो कोई भी वेव्स में, तो यहाँ पर साइन वेव है, इसके बाद मैं दूसरी वेव जाऊँगा पल्स वेव में। ठीक है, वाओ क्या मस्त वाला साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर पहला साइन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक पियानो करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक सेंथ जो होती है ना वो वाली साउंड करेगी, कोई भी आप इसमें वेव फॉर्म शेप शेप कर लो, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये दो जो वेव्स है, ये आपको स्क्वायर वेव और ये वाली, ये क्या करेगी आपके पास थोड़ा सा डार्क वाली फील देगी, और ये तीनों,
उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले में ये वाली फिल ले दो अपना साइन वेव, दूसरे में आप स्विच कर लो इसकी वॉल्यूम ऊपर बढ़ा के, मैं फिर थोड़ा सा डीट्यून करूंगा इसको, और इसमें मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये वाली। अब देखो दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो ए एम ऑस्किलेटर ऑन कर देना दोनों की, जो ये आपने बना रखा तो दोनों की शेप एक जैसी आएगी। देखो कितना वाइबी सा फील कर रहा है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा। आपने जैसे मैंने आपको बताया, जो कीज़, जो भी आप इलेक्ट्रिक कीज़, कीज़ भी कोई भी बना लो कीज़, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, जैसे मर्जी बनानी है, पर उसका अटैक थोड़ा सा खोल देना ताकि वो स्मूदर साउंड करे। अगर हम अटैक फास्टर करें तो देखो, अगर आप प्लकी या बेल टाइप साउंड बनाना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, बेल टाइप साउंड। देखो ठीक है, अगर आपने कीज़ कॉर्ड्स वगैरह प्ले करनी है तो आप इसको हल्का सा, ठीक है, अगर आप प्लक सा बैली सा साउंड बनाना है या फिर बेल होती है ना, तो आप इसको थोड़ा सा डीके को टाइट भी कर सकते हो, बेल की तरह बना दोगे। देखो यहाँ पर प्लकी सा साउंड बन गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कंट्रोल जेड वापस कर लूंगा जैसे थे वैसे। तो यही बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, किसी भी वीएसटी पे जाओ आप सिंपल सा कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक पियानो ही बनाना तो सिंपल सा इसकी आप, मैं थोड़ा सा दूसरे की मैं थोड़ी सी ये हाई इसमें ऐड कर लूंगा, हाई टोन। देखो एक में आपने बेस वाले फील दे दिया, एक में हाईज वाला फील देते हैं, तो इस तरह से आप स्प्रेड कर सकते हो इसको। यहाँ पर डीट्यून जरूर करना है ताकि वो फील दे पूरा। ये देखो इतना वाइबी सा साउंड कर सकता है। तो ये आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपके पास और, मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ ये, अब इसके बाद देखो मैं, अगर मैं देखो यूनिक सी साउंड आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है प्रीसेट पे जाना, आपको समझ आना आना चाहिए। बेसिक मैंने आपको बता दिया सिंपल सा, वो भी स्टॉक प्लगइन के थ्रू। तो इसके बाद जो भी आपके पास है अपनी, जो इसके नीचे आप अपने ड्रम्स वगैरह ऐड कर लो, जैसे मैंने ट्रैप वाला लिया तो मैं ट्रैप्स के ड्रम इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ईजिली देखो यही कर लेते इसके नीचे ड्रैग, तो सिंपल सा देखो आपके पास एक ट्रैप का पैटर्न बन गया है, प्लस आपके पास मेलेडी बन गया इजी, और अपनी साउंड डिज़ाइन की खुद की यूनिक सी जो अलग से साउंड कर रही है। तो देखो यहाँ पर अब प्ले करते हैं, तो इसके बाद आप चाहे इसको जो मर्जी कर लो, ठीक है, रिवर्स कर लो, इसकी साउंड बढ़ाते काफ़ी कम है तो मैं वापसी वैसे ले लेता हूँ और ब्लेंड करते साउंड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, तो ठीक है वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया। वीडियो को आगे पीछे कर लो, इजी वे में बता रहा हूँ, साउंड डिज़ाइन के पूरे लेक्चर आ रहे हैं। इसके बाद मैं लीड साउंड कैसे, प्लकी मैंने बता दिया था, लीड साउंड कैसे डिज़ाइन करें उसको भी मैं बता दूंगा, बहुत वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बाकी एफएक्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, यहाँ पर एफएक्स कोरस वाला कोई भी अलग सा कोरस है आपके पास तो यूनिक फ्लेवर देने के लिए वो भी, जैसे अभी एफएल में हाइपर कोरस आ रखा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी जो आपके पास अलग सा कोई कोरस वीएसटी है, या फिर अलग से कुछ कोरस ही है, या फिर कुछ और आपके पास है जैसे साइमेटिक का अलग अलग आ रखे है, जैसे इल्यूजन आ रखा है, मेमोरी आ रखा है, जैसे मैं इल्यूजन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अलग अलग। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर ये इल्यूजन क्रिएट करता हूँ, अब देखना या भी कुछ भी आपके पास जैसे फ्री के वीएसटी है काफ़ी है, ठीक है, मेमोरी हो गया, तो इस तरह का जो आपने डीट्यून वाला फील देना, देखो ठीक है, इस तरह से कोई भी आप कोर्स इफेक्ट देना है या फिर किसी और, जैसे आपके पास RC20 हो सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है उसके ऊपर जो अपने हिसाब से, जैसे आपके पास आउटपुट का पोर्टल हो सकता है, या फिर इसके ऊपर आप मल्टीबैंड कंप्रेशन यूज कर सकते हो सारी इफेक्ट्स लगाने के बाद, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इफेक्ट वगैरह सारा कुछ लगा दिया स्टार्टिंग में, कोरस लगा लेता हूँ मैं, मल्टीबैंड कंप्रेशन का यूज़ कर सकता हूँ। मल्टीबैंड कंप्रेशन जो OTT फ्री है, इससे क्या होता है जो लोअर डिटेल है आपकी साउंड की वो भी ऊपर आ जाती है। देखो यहाँ पर ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको रेंडर कर दिया था। एक बार मैं दोबारा प्रोसेस करता हूँ, इसको एक नंबर पे डालता हूँ, दोबारा से एक बार फिर से प्रोसेस करता हूँ और ज़्यादा वाइड करने के लिए। अब देखना आपने, अब देखो मैंने एक बार रेंडर किया, फिर से इसको दोबारा प्रोसेस किया, कोरस भी लगाया, रिवर्ब भी लगाया, वही पर OTT यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। इससे क्या होता है मल्टीबैंड थोड़ा सा इसको
जो लोअर डिटेल होती है आप एंड में लगाओगे इसको एफ एक्स के बाद, ये क्या करेगा आपकी लोअर जो आपकी रिवर्ब वगैरह है उसको भी ऊपर लाएगा, बाकी चीज़ों को भी देखना आपने। अभी देखो रिवर्ब कैसी सुनाई दी थी, उसके बाद कोरस वगैरह। अब इसको मैंने 100% या 50% जितना आपने रखना है देखो कितना वाइबी सा साउंड करा दिया। तो सिंपल सा होता है, ज़्यादा कुछ बस आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियो, कमेंट डाउन जरूर करना, धीरे धीरे वीडियो आएगी। मैं वापसी आ चुका हूँ, अब मैं बैक टू बैक आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो अभी साउंड डिज़ाइन पर आ रही है, तो कितने 3-4 लेक्चर बाकी रह चुके हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक कीज़ बना सकते हो अपने FL स्टूडियो स्टॉक प्लगइन से। उसके ऊपर चाहिए आपके पास सीरम है, जो मर्जी है, सेम टू सेम आपने कर देना है। सिर्फ आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ADSR कितना अटैक रखना, कितना डिके और कितना गूंज सस्टेन और कितना रिलीज कब तक उसको प्ले करना है। तो ट्रेमोलो इफेक्ट जब भी आप इसको बना रहे हो तो ये ट्रेमोलो इफेक्ट है ना जो वाइब्रेशन, तो आप इसको इस तरह भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँ देखना, पे अगर मैं इसको स्पीड करूँ ट्रेमोलो की, ये देखना अभी कैसे स्पीड करता है। ठीक है, तो देखो यार टूं 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 टूं, काफी जगह आपने इस तरह का सुना होगा गेटी डिफेक्ट प्लस आपको ट्रेमलो बोल सकते हो उसको इस तरह के। अब देखो मैं इसी को यहां पर रेंडर कर देता हूं। अब दो मेरे पास यूनिक मेलेडी बन गई, कंट्रोल ऑल्ट सी, रेंडर कर दिया मैंने वेव फॉर्म में। अब मैं यहां पर इसको इस तरह से ले जाऊंगा, पहले ये प्ले करता हूँ इंट्रो में। ठीक है, उसके बाद जहां पर बीट आएगी तो ट्रेमलो इफेक्ट प्लस आपके पास गेटेड इफेक्ट मैंने, और वापस इसको वन पे भेज देता हूँ ताकि वही FX द्वारा पे इसमें अप्लाई हो जाए। तो इसके ऊपर इजीली आप रैप कर सकते हो, ये जो मैंने ट्रैप बीट बना रखी है तो आप कॉर्ड्स भी प्ले कर सकते हो इसकी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। अब वीडियो को आगे पीछे कर लो और बना लो और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो मैंने FX यूज़ किए हैं वो यूज़ कर लो। आपके पास RC20 है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से विंटेज वाला फील भी दे सकते हो जैसे आपने देना है फील। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट साउंड डिज़ाइन लेक्चर में। लीड्स या फिर सॉ या फिर कुछ और पैड्स वगैरह बनाऊंगा, विंटेज पैड्स या फिर ड्रीमी से पैड्स किस तरह आप बना सकते हो स्टॉक प्लगइन के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।